कुछ दिन पहले मैं भैंस के पास में से गुजर रहा था तो मुझे गोबर की स्मेल आई और मैंने देखा कि भैंस के शरीर पर काफी गोबर भी लग रहे हैं। तो आज आयुष व्लॉगर ने सोच लिया है कि मैं हमारी गाय भैंसों को अच्छी तरह नहलाकर साफ कर दूंगा। तो सबसे पहले जाकर मैंने पानी की मोटर चलाई और लेकर आ गए बाथरूम में से कपड़े धोने की बुरश। अब गाय की खाल में काफी दिनों से गोबर जम रहा था तो वो पानी से तो छूटेगा नहीं, तो बुरश लाकर मैं बुरश के रिग्गो से कर देता हूँ गाय को एकदम चकाचक। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने दिखाया कि मैंने गाय की बेटी को नहला दिया था, तो बारी है अब भैंस को नहलाने की। ये भैंस नहाने में थोड़ी सी परेशानी करती है तो मैंने क्या करा कि एक बाल्टी में पानी भर दिया, ये पानी पी रही है और मैं इसे पानी के फव्वारे से नहला रहा हूँ। अब बारी आती है हमारी स्टीकली सी गाय को नहलाने की, पर ये गाय ऐसी है ये पानी से 100 कोस दूर रहती है तो मैं इसे पिला देता हूँ सिर्फ पानी। वो क्या है ना, गाय की भी अलग कैटेगरी होती है, एक गाय तो नहाने वाली होती है और एक बिल्कुल भी नहीं नहाती। बाहर अगर मुझे एक पिल्ली पर नजर पड़ती है जो कि काफी गंदा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगली बार क्यों ना मैं इसे ही नहला दूं।